हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो भाई, लास्ट की वीडियो में हम लोगों ने शार्डिंग पढ़ी थी और ये समझा था कि शार्डिंग होती क्या है, शार्डिंग करते क्यों हैं, और उसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा था कि पार्टीशनिंग क्या होती है, कितने तरीके की पार्टीशनिंग होती है, और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था शार्डिंग जो है कैसे मतलब कितने टाइप की शार्डिंग होती है, लॉजिकल शार्ड्स, फिजिकल शार्ड्स, और शार्डिंग की कैटेगरी क्या होती है, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि हमारा जो है उसमें लॉजिकल शार्ट्स, फिजिकल शार्ट्स देखा था, और रेंज बेस्ड शार्डिंग और की बेस्ड शार्डिंग देखी थी। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट इज सर्विस डिस्कवरी एंड हार्ट बीट्स। ठीक है, तो दिलों की धड़कन को अपने संभाल कर रखिए, और अभी तक किसकी किसकी धड़कने सुनी है वो भाई कमेंट करके बता देना, क्योंकि आज हम लोग किसी और की धड़कन को समझने वाले हैं। तो सर्विस डिस्कवरी और हार्ट बीट क्या होता है, देखो कई बार ऐसी प्रॉब्लम आती है कि सर्वर जो है वो हमारा क्रैश कर जाता है ना, ये प्रॉब्लम तो आती है कि सर्वर हमारा जो है वो क्रैश कर जाता है। ठीक है, तो सर्वर क्रैश करने की प्रॉब्लम तो कई बार आती रहती है, एंड और उसकी वजह से कई बार हमको जो है ये नहीं पता पड़ पाता है कि हमारी सर्विसेज जो हैं वो अलाइव हैं कि नहीं है। ठीक है, सर्वर जैसे हमारे कई सारे क्रैश करते रहते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से हमें ये नहीं पता पड़ पाता है कि सर्विसेज जो हैं वो हमारी अलाइव हैं कि नहीं है, मतलब वो प्रॉपरली रिस्पॉन्ड दे रही हैं कि नहीं दे रही हैं सर्विस, हमारी जो APIs हैं। ठीक है, तो इसीलिए सर्विस डिस्कवरी और हेल्थ चेक करके एक जो है एक वो बनाया गया पैटर्न, जिसमें हम लोग क्या करते रहते हैं, हर थोड़ी थोड़ी देर में जो है अपनी सर्विसेज को चेक करते हैं कि हमारी सर्विस जो है वो प्रॉपरली सही से चल रही है कि नहीं चल रही है। ठीक है, तो अब देखो मतलब चीज़ क्या है वो तुमको पूरी हम डायग्राम से समझाएंगे। लेट सपोज यहाँ पर जो है तुम एक एग्जांपल लेके समझो कि तुम्हारे पास एक लेट सपोज सर्विस वन है, हम सीधा सीधा एक नाम लेके चलते हैं, लेट सपोज तुम्हारे पास है एक यूज़र सर्विस करके। ठीक है, और ये यूज़र सर्विस जो है कौन से पोर्ट पर रन हो रही है, ये यूज़र सर्विस जो है लेट सपोज तुम्हारी 8081 पर रन हो रही है। ठीक है, अब ऐसा ही तुम्हारी एक सर्विस यहाँ पर और है, वो है तुम्हारी लेट सपोज रेस्टोरेंट सर्विस। वो है तुम्हारी रेस्टोरेंट सर्विस, लेट सपोज ये तुम्हारी जो है 8082 पे रन हो रही है। इसी तरीके से एक सर्विस तुम्हारी मान लो और है, वो है तुम्हारी रेटिंग सर्विस। ठीक है, रेस्टोरेंट्स की रेटिंग होती है ना, तो इसी तरीके से तुम्हारे पास यहाँ पर एक सर्विस और है जो कि है रेटिंग सर्विस। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पर हमारे पास कई सारे ऐसे यूज़र्स होते हैं, देखो यहाँ पर हमारे क्लाइंट्स होते हैं, या मान के चलो कि हम लोग होते हैं ये। ठीक है, और हम लोग जो है कई बार जो है इन APIs को ऐसे रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से जो है हम लोग रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि जैसे नॉर्मली तो हमारी सर्विसेज जो होती हैं उनका स्टेटस जो है अप रहता है। ठीक है, उनका स्टेटस क्या रहता है, उनका स्टेटस जो है हमेशा अप रहता है। जैसे कि यहाँ पर हमारी जो है यूज़र सर्विस का स्टेटस अप है, ठीक है, उसी तरीके से हमारी रेस्टोरेंट सर्विस का स्टेटस भी अप है, उसी तरीके से हमारी भाई रेटिंग सर्विस का स्टेटस भी अप है। ठीक है, तो क्या होता है कई बार हमारी अचानक से कोई एक सर्विस काम करना बंद कर देती है। ठीक है, कोई एक सर्विस हमारी जो है काम करना बंद कर देती है, तो हमको क्या होता है कि ये सर्विस जो है ये नहीं पता पड़ पाता है कि वो सर्विस डाउन हो गई है कि नहीं हो गई है, मतलब सर्विस डाउन हो गई है ऐसा हमको पता नहीं पड़ पाता है, और हम लोग कंटिन्यूसली यहाँ से रिक्वेस्ट जो है ऐसे भेजते रहते हैं इस सर्विस को, इस तरीके से ऐसे रिक्वेस्ट हम लोग कंटिन्यूसली यहाँ पर ऐसे भेजते रहते हैं, और हमको ये नहीं पता पड़ पाता है कि क्या वो सर्विस डाउन हो गई है क्या। तो भाई उसके लिए एक यहाँ पर हम लोगों ने एक चीज़ निकाली जिसका नाम होता है सर्विस डिस्कवरी, या फिर ये कह लो एक ऐसा सर्वर जो तुम्हारी सारी इन सर्विसेज का हेल्थ रिकॉर्ड रखेगा। जैसे कि एक डॉक्टर होता है ना, वो हेल्थ रिकॉर्ड रखता है सारी तुम्हारे सारे पेशेंट्स का कि कौन सा पेशेंट सही है कि नहीं है। उसी तरीके से लेट सपोज इन बिटवीन ऑफ यू एंड द सर्विसेज देयर इज़ वन गाय कॉल्ड हेल्थ सर्विस और सर्विस डिस्कवरी। तो लेट सपोज अभी तक तुम यहाँ पर खड़े हुए थे, ठीक है, और तुम डायरेक्ट रिक्वेस्ट भेज रहे थे किसको, सर्विसेज को, तो अभी यहाँ पर क्या होगा, ये सर्विस तो एज इट इज़ रहेंगी जैसे कि ये यहाँ पर थी। ठीक है, ये जो सर्विसेज हैं तुम्हारी, ये जो तुम्हारी सर्विसेज हैं ये तो तुम्हारी एज इट इज़ रहेगी, तो ये सर्विसेज जो हैं वो तुम्हारी एज इट इज़ रहेंगी। बस यहाँ चीज़ क्या होगी, अलग अलग चीज़ ये होगी कि यहाँ पर बीच में एक हेल्थ सर्विस करके एक यहाँ पर क्या होगा, एक सर्विस डिस्कवरी होगी, एक हेल्थ सर्विस करके एक सर्वर होगा बेसिकली। ये भी क्या है, अपने आप में एक सर्विस है। ठीक है, हेल्थ सर्विस कह लो, हेल्थ सर्वर कह लो, या फिर सर्विस डिस्कवरी कह लो, सर्विस डिस्कवरी कह लो। ये सर्विस डिस्कवरी प्रोवाइड किस कौन कराता है, नेटफ्लिक्स है। ठीक है, ये सर्विस डिस्कवरी नेटफ्लिक्स की होती है। तो अब क्या है यहाँ पर, अब ये जो हेल्थ सर्विस है ना, ये बार बार इससे पूछेगा
आर यू अलाइव? तो अब क्या होगा, ये जो तुम्हारा हेल्थ सर्विस होगा वो इनसे कंटिन्यूअसली पूछता रहेगा, क्या भाई तुम अभी अलाइव हो? ठीक है, वो इससे पूछेगा इस तरीके से कि आर यू अलाइव, ठीक है, इस तरीके से हर एक सर्विस से हर कुछ सेकंड्स में पूछेगा, तो वो रिस्पॉन्स में देगा यस। ठीक है, इसी तरीके से वो यहाँ पर जो हेल्थ सर्विस होगी वो तुम्हारी सर्विस से पूछती रहेगी थोड़ी थोड़ी देर में, आर यू अलाइव, तो वो तुमको रिस्पॉन्स देगा यस, इस तरीके से। ठीक है, सेम तुम्हारा रेटिंग सर्विस के साथ होगा, रेटिंग सर्विस से ऐसे पूछेगा, ठीक है, आर यू अलाइव, तो वो रिस्पॉन्स में बोलेगा यस। तो अब यहाँ क्या होगा, जैसे हमारी हेल्थ सर्विस होगी वो हर एक सर्विसेज को बार बार चेक करके पूछेगी कि क्या भाई तुम लाइव हो, क्या तुम सही हो, क्या तुम वर्किंग कंडीशन में हो, तो वो जो सर्विस होगी वो रिस्पॉन्स देगी इस हेल्थ सर्विस को यस के फॉर्म में। ठीक है, अब क्या होगा, इन केस अगर लेट सपोज यहाँ पर एक एग्जांपल अब ये लेते हैं कि जैसे कि इस यूज़र ने मान लो कोई एक रिक्वेस्ट डाली, वो रिक्वेस्ट गई होगी हेल्थ सर्विस के पास। ठीक है, हेल्थ यूज़र ने जो रिक्वेस्ट डाली थी वो यूज़र सर्विस के लिए डाली थी। ठीक है, मतलब कौन से प्रोजेक्ट के लिए, कौन सी सर्विस के लिए डाली थी, 8081 वाली जो हमारा पोर्ट पे चल रहा है, ये पोर्ट नंबर है 8081 8082 8083। तो ये रिक्वेस्ट जाएगी सबसे पहले इस सर्विस के पास, ये हेल्थ सर्विस होते हुए हेल्थ सर्विस चेक करेगा कि क्या भाई तुम लाइव हो। इन केस अगर इस सर्विस ने रिटर्न कर दिया नो, तो यहाँ पर हमें एक फॉल बैक पैटर्न बनाना पड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं सर्किट ब्रेकर। ठीक है, सर्किट ब्रेकर का मतलब ये होता है कि अगर हमारी कोई सर्विस जो है इन केस डाउन हो जाती है और वो रिस्पांस में नो रिटर्न करती है, तो एक बैकअप सर्विस हम उसकी बना के तैयार रखेंगे, एक बैकअप सर्विस हम जो है उसकी बना के तैयार रखेंगे ताकि वो रिक्वेस्ट को हम इधर ट्रांसफ़र कर दें। ठीक है, सब समझ में आए मतलब क्या है? तो लेट सपोज अभी इसका स्टेटस क्या हो गया, इसका स्टेटस है डाउन। ठीक है, यूज़र ने रिक्वेस्ट दी 8081 प्रोजेक्ट के लिए, इसकी सर्विस को एक्सेस करने के लिए, इससे कुछ रिस्पांस लेने के लिए। हेल्थ सर्विस ने जाकर के सबसे पहले चेक किया क्या वो सर्विस अप है, उसने देखा इस सर्विस का स्टेटस डाउन है, तो यूज़र सर्विस ने रिटर्न कर दिया हेल्थ सर्विस को नो कि भाई हम अभी डाउन है, उसने वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उसने नो रिटर्न किया। अब यहाँ पर हेल्थ सर्विस क्या करेगा, इसके फॉल बैक पैटर्न को फॉलो करके फॉल बैक पैटर्न जो हमने यहाँ लगाया हुआ है जिसको सर्किट ब्रेकर बोलते हैं, तो ये अगर नहीं चलेगी सर्विस तो इसका एक फॉल बैक मेथड होगा वो चल जाएगा, ये सर्विस चल जाएगी। तो अब रिस्पॉन्स जो है वो इस सर्विस से निकल के यूज़र को मिलेगा ऐसे यहाँ से। सिमिलरली लेट सपोज अगर यूज़र जो है वो रिक्वेस्ट देता है यहाँ पर 8082 प्रोजेक्ट के लिए, तो वो सबसे पहले जाके पूछेगा, चेक करेगा इस तरीके से कि क्या भाई तुम लाइव हो। तो वो अगर बोलता है कि भाई हाँ, अगर मान लो वो बोल देता है यस कि हम लाइव हैं, तो वो इसका जो फॉल बैक मेथड होगा ना, फॉल बैक मेथड इसका मान लो होगा रेस्टोरेंट सर्विस का, वो उसको कॉल नहीं करेगा। ठीक है, वो इसी मेथड से ही जो है रिस्पांस निकाल के हेल्थ सर्विस को दे के इधर वापस कर देगा। ठीक है, अब लेट सपोज यहाँ पर एक हम कोई ऐसा एग्जांपल लेते हैं कि फिर से मान लो यूज़र सर्विस ने हेल्थ सर्विस से बोला कि भाई तुम जो है 8083 प्रोजेक्ट के पास जाओ और हमको वहाँ से रिस्पॉन्स लेना है, तो हेल्थ सर्विस पहले चेक करेगा क्या 8083 हमारा डाउन तो नहीं है, वो देखेगा कि यार 8083 तो डाउन है। ठीक है, और यहाँ पर उसका फॉल बैक मेथड बना हुआ है, मान लो यहाँ पर उसका फॉल बैक मेथड क्या बना हुआ है, रेटिंग सर्विस। तो रेटिंग सर्विस से जब पूछेगा हेल्थ सर्विस कि क्या तुम डाउन हो, तुम्हारा स्टेटस डाउन है, तो वो बोलेगा हाँ मेरा स्टेटस डाउन है, यहाँ से नो लिख के भेजेगा कि मतलब वो अप नहीं है। ठीक है, नो लिख के आएगा मतलब कि वो अप नहीं है, तो रिक्वेस्ट चली जाएगी फॉल बैक मेथड के पास। फॉल बैक मेथड का मतलब ये होता है कि अब ये जो ओरिजिनल हमारी सर्विस है ये वर्क नहीं कर रही है, इसकी डुप्लीकेट सर्विस जो बना रखी है हम लोगों ने ये वो चलेंगी। तो ये होता है तुम्हारा सर्किट ब्रेकर, मतलब ये एक तरीके का सर्किट होता है। लेट सपोज ये पूरा अगर ये ब्रेक होता है तो इसके फॉल बैक मेथड बना रखे होते हैं हम लोगों ने पीछे, स्प्रिंग बूट में इसकी कोडिंग हम लोग करके देख सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है ये हेल्थ सर्विस होती कैसे है, ये हम तुमको दिखा देते हैं क्योंकि मेरे पास एक प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है। तो हेल्थ सर्विस की सबसे पहले हमें डिपेंडेंसी डालनी होती है, ये देखो यूरेका डिस्कवरी क्लाइंट। ठीक है, ये जब हम लोग डिपेंडेंसी के प्रोजेक्ट बनाएंगे तो इसका यूआई हमें कुछ ऐसे दिखता है, ये देखो ये मेरा गिटहब लिंक है तुम लोग देख सकते हो। ठीक है, मेरी गिटहब रिपोजिटरी है github.com/thatdestroyer बिल्ड माइक्रो सर्विसेज यूजिंग स्प्रिंग बूट एंड स्प्रिंग क्लाउड, ये प्रोजेक्ट में मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर तुम देखो इस तरीके से देख सकते हो, डिपार्टमेंट सर्विस है, एम्प्लॉय सर्विस है, ये लोकल होस्ट 8761 पे प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है। ठीक है, इस पोर्ट पे ये हमारा क्या चल रहा है, बेसिकली ये भी तो हमारा पोर्ट ही तो है, ये जो हमारी हेल्थ सर्विस है, हेल्थ सर्विस भी तो हमारी पोर्ट है। तो लेट सपोज वो कौन से पोर्ट पे चलती है,
8761 भी चल रही है। तो जब तुम इस हेल्थ सर्विस को ओपन करोगे ना तो तुमको यहाँ पर दिखेगा सारी सर्विसेज का, कॉन्फ़िग सर्वर, डिपार्टमेंट सर्विस, एम्प्लॉय सर्विस, ये उसके यूआरएल्स हैं इन सर्विस को एक्सेस करने के लिए, क्योंकि ये सर्विस 8081 पर चल रही है। हेल्थ सर्विस के पास इसका डेट इन्फॉर्मेशन होगी कि यूज़र सर्विस कौन से पोर्ट पर चलती है, उसका आईपी एड्रेस क्या है। हेल्थ सर्विस के पास रेस्टोरेंट सर्विस का भी पोर्ट नंबर होगा और उसका आईपी एड्रेस होगा कि उसकी डिटेल्स पूरी होंगी। वैसे देखो यहाँ तुम देख सकते हो सारी डिटेल्स जो हैं हेल्थ सर्विस के पास है। अब यहाँ पर तुम स्टेटस देख सकते हो, अप लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से जब अप लिखा हुआ है तो हेल्थ सर्विस को पता लगता रहता है कौन सी सर्विस अप है, कौन सी सर्विस डाउन है, ठीक है। तो हमने तुमको ये दिखा दिया। अब ये इससे रिलेटेड नहीं है, ये तो जब तुम स्प्रिंग बूट और वो सब पढ़ोगे उधर का है, हम अपने चैनल पे भी लेके आएंगे स्प्रिंग बूट, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये तुम्हारा एक चीज़ यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। अब एक तुम और काम यहाँ एक एडवांसमेंट क्या कर सकते हो, एक एडवांसमेंट तुम ये कर सकते हो कि जैसे कि यहाँ पर मान लो ये क्लाइंट होता है हमारा, ठीक है, और लेट सपोज ये हमारा इधर जो है हेल्थ सर्विस है, ठीक है, ये हमारा हेल्थ सर्विस है। अब हम यहाँ पर एक काम ये कर सकते हैं कि हम लोग एक लोड बैलेंसर भी लगा सकते हैं ताकि वो रिक्वेस्ट को इक्वली डिवाइड कर सके। और यहाँ पर हमारी लेट सपोज मल्टीपल सर्विसेज बनी हुई हैं, ये है सर्विस वन जो कि 8081 पोर्ट पे चल रही है, ये है सर्विस टू जो कि 8082 पोर्ट पे चल रही है, ये है सर्विस थ्री जो कि 8083 प्लेट उस पे चल रही है। सर्विस वन का जो है फॉल बैक मेथड, अच्छा एक चीज़ और है, ये जो फॉल बैक सर्विसेज होती हैं इनके भी पोर्ट होते हैं। तो लेट सपोज ये 8081 पे चल रही है ना, तो इसका तुम इसका पोर्ट मान लो 1011, 1012, 1013, क्योंकि है तो ये भी सर्विस है अपने आप में, बस ये कब काम करती हैं सर्विसेज, जब इनकी ओरिजिनल सर्विस जो है वो क्लोज हो जाती है या डाउन हो जाती है, तो ये फॉल बैक सर्विसेज जो हैं ये तब काम करती हैं, पीछे वाली फॉल बैक सर्विसेज। तो वैसा ही ये मेन सर्विसेज हैं यहाँ पर, ये क्या है हमारी, ये कौन सी सर्विसेज हैं, मेन सर्विसेज हैं, ठीक है। ये मेन सर्विसेज जब डाउन होती हैं किसी भी कारण से तो इनके फॉल बैक मेथड काम करते हैं, ठीक है। तो इनके कौन से मेथड काम कर, कौन से मतलब मेथड करें, कौन सी सर्विसेज काम करती हैं फॉल बैक सर्विस, जैसे S1 की फॉल बैक सर्विस ये है, ठीक है, S2 की फॉल बैक ऑफ S2, फॉल बैक ऑफ S2, S2 का फॉल बैक ये है, ठीक है, और ये तुम्हारा फॉल बैक ऑफ S3, S3 का फॉल बैक ये है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, यूज़र ने रिक्वेस्ट मारी, अभी के लिए फ़िलहाल लेट सपोज इन सारी सर्विसेज का स्टेटस जो है वो अप है, ये अप है, ये अप है, ये भी अप है। यूज़र ने रिक्वेस्ट मारी मान लो यहाँ से क्लाइंट या इसको एक्सेस करने के लिए सर्विस वन को, हेल्थ सर्विस ने लोड बैलेंसर के थ्रू ये रिक्वेस्ट पास करी और चेक करा, पूछा कि आर यू ओके, तो इसने बोला जी हाँ मैं ओके हूँ, इसने लोड बैलेंसर को से आंसर अपना देते हुए बोला, इसने बोला यस, यस बोला इसने ओके, ठीक है। तो ये जो है तुमको रिस्पॉन्स वापस ला के तुम्हारा दे देगा, यूज़र ने ये सर्विस को एक्सेस करके कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स मंगाया होगा तो वो उसको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। अब लेट सपोज इसी तरीके से यूज़र ने फिर से रिक्वेस्ट डाली, ये रिक्वेस्ट डाली थी सर्विस वन के लिए, अब ये रिक्वेस्ट डाल रहा है सर्विस टू के लिए, सर्विस टू के लिए रिक्वेस्ट जाती है, ये सर्विस वन और सर्विस वन का था, सर्विस टू के लिए जब रिक्वेस्ट जाएगी, इन केस लेट सपोज ये सर्विस तुम्हारी डाउन हो गई है, ठीक है, इन केस लेट सपोज ये तुम्हारी सर्विस जो है डाउन हुई पड़ी है, तो जब तुम्हारी रिक्वेस्ट इसके पास जाएगी तो ये रिस्पॉन्स में तुमको देगा नो, ठीक है, रिस्पॉन्स में तुमको देगा ये नो देगा। तो अब क्या होगा, तुरंत इसका फॉल बैक मेथड यहाँ से कॉल हो जाएगा और ये फॉल बैक मेथड फिर कुछ रिस्पॉन्स ऐसे ला करके देगा, यहाँ नहीं देगा, ये तो सर्विस डाउन है, यहाँ से सीधा इधर जाके रिस्पॉन्स दे देगा और यूज़र को इस तरीके से रिस्पॉन्स मिल जाएगा। मतलब एक तरीके से हम यहाँ पर एक फॉल्ट होने से बचा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फॉल्ट क्या कर रहे हैं, फॉल्ट टॉलरेंस। ये नाम कई बार तुम लोग सुनोगे अपने जीवन में, जब तुम स्प्रिंग बूट पढ़ोगे क्या सुनोगे, फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब ये होता है कि जब कोई सर्विस में फॉल्ट हो जाता है तो उसको हम टॉलरेट कैसे करेंगे, नाम में ही पता चल रहा है, फॉल्ट को टॉलरेट कैसे करेंगे। अगर इस सर्विस में कोई डाउन हो गई ये सर्विस, अब ये एक फॉल्ट हो गया, ठीक है, इस सर्विस को कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। अब जब ये एक सर्विस तुम्हारी, अब लेट सपोज ये तुम्हारी सर्विस जो है तुम्हारी डाउन हो जाती है सर्विस वन, तो ये एक फॉल्ट हो गया, अब इस फॉल्ट को तुम्हें टॉलरेट करना है, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉल्ट टॉलरेंस, ठीक है। तो फॉल्ट टॉलरेट तुम कैसे करोगे, ये इसका एक फॉल बैक मेथड है, ठीक है, जिसको हम लोग सर्किट ब्रेकर का नाम देते हैं। तो ये जो तुम्हारा लेट सपोज ये सर्विस अगर डाउन हुई है सर्विस वन या सर्विस टू कोई भी, तो इसका फॉल बैक मेथड कॉल हो जाएगा और वो तुमको रिस्पॉन्स लगे देगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा था आज का टॉपिक, सर्विस डिस्कवरी और हार्ट बीट्स, ठीक है। तो अगर अब अपनी मासूका की धड़कने सुन ली हो तो भाई ये वाली धड़कने भी सुन लेना और बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।